हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी माई सेल्फ निहाल सूर्यवंशी योर कॉमर्स एजुकेटर आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं ऑन यूनिट थ्री बिजनेस इकोनॉमिक्स तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है लास्ट तक जरूर देखना वीडियो को आपके एग्जामिनेशन में बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये आ सकते हैं तो बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर ग्लोबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी आपके लिए फुल सिलेबस कोर्स लेके आया है जिसमें कि आपके प्रीवियस ईयर 2015 से लेके 2020 तक डिटेल एक्सप्लेनेशन टेस्ट होगा और उसी के साथ आपका फुल सिलेबस, 10 मॉक टेस्ट रहेंगे। इस टेस्ट के साथ आपको फुल सिलेबस रिलीवेंट नोट्स मिलने वाले हैं विथ वीडियो लेक्चर्स अगर ये कोर्स आपको ज्वाइन करना है तो आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं दैट इज ग्लोबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी

उसमें मोनोपोली जो फर्म होते हैं उसको लॉन्ग रन में क्या मिलता है लॉस सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ब्रेक इवन पॉइंट ब्रेक इवन या फिर ऑल ऑफ दिस तो लॉन्ग रन में मोनोपोली को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है वाई बिकॉज मोनोपोली वो होता है जहाँ की एक ही फर्म डोमिनेट करती है मार्केट में जिसपे कि प्राइस के ऊपर उसी का डोमिनेशन uh, होता है वही तय करता है कितना प्राइस होगा कितना ज़्यादा कम जो भी होगा और मेन चीज दूसरे प्रोडक्ट को दूसरे फर्म की प्रोडक्ट को वहां पे रेस्ट्रिक्शन रहता है एंट्री नहीं रहती डेट्स वाई वो खुद ही डिसाइड करता है सब कुछ इसलिए सुपर नॉर्मल प्रॉफिट उसे लॉन्ग रन में मिलता है अ कंज्यूमर कंज्यूमिंग टू गुड्स विल बी एन इक्विलिब्रियम वेन द मार्जिनल यूटिलिटीज फ्रॉम द बोथ गुड्स आर जब दो गुड्स कंज्यूमर कंज्यूम करता है तो उस इक्विलिब्रियम में जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है दो मैक्सिमम पॉसिबल पॉजिटिव मैक्सिमम पॉसिबल नेगेटिव, ये सेकेंड बी क्वेश्चन ऑप्शन इज नेगेटिव नॉट पॉजिटिव सी इक्वल या फिर डी जीरो तो जब दो प्रोडक्ट्स कंज्यूमर कंज्यूम करता है उसका इक्विलिब्रियम मार्जिनल यूटिलिटीज जो होता है वो इक्वल होता है अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम वेन वेन अ कंज्यूमर्स इनकम इंक्रीजेस इज इक्विलिब्रियम पॉइंट्स मूव मतलब जब कंज्यूमर कंज्यूम consume करता है कोई गुड और उसका इनकम इंक्रीज हो जाता है तो इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ जाता है मतलब इक्विलिब्रियम इक्वल होता है बढ़ जाता है कम हो जाता है क्या हो जाता है ए हायर इनडिफरेंस कर्व होता है बी टू द लेफ्ट हैंड साइड ऑन द सेम इनडिफरेंस कर्व या फिर सी रिमेंस अनचेंज्ड ऑन द सेम इनडिफरेंस कर्व या फिर डी अ लोअर इनडिफरेंस कर्व तो इसका राइट right आंसर है अ हायर इंडिफरेंस कव मतलब जब कंज्यूमर का इनकम बढ़ जाता है इंक्रीज हो जाता है तो उसका इक्िब्रम इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो हायर इंडिफरेंस कव में बदल जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन मार्जिनल रेवेन्यू इज एट द क्वालिटी दैट जनरेट्स मैक्सिमम टोटल रेवेन्यू एंड दैट पॉइंट मतलब ऐसे कौन सी कंडीशन में मार्जिनल रेवेन्यू जो होता है वो क्वांटिटी मैक्सिमम जनरेट करता है टोटल रेवेन्यू एंड नेगेटिव बियॉन्ड दैट पॉइंट तो ऐसा कौन सा पॉइंट है तो वो जीरो पॉइंट होता है जीरो पॉइंट पे ही मार्जिनल रेवेन्यू जो होता है उसकी क्वांटिटी जनरेशन मैक्सिमम हो जाती है क्या मैक्सिमम करता है रेवेन्यू जनरेशन एंड नेगेटिव बियॉन्ड द जीरो पॉइंट कार्टेल अंडर ओलिगोपॉली डू नॉट सरवाइव फॉर लॉन्ग बिकॉज़ जो कार्टेल कार्टल कंसेप्ट है ओलीजो में वो ज्यादा सर्वाइव नहीं कर सकती वाई वॉट इज द रीजन फॉर दैट द रीजन इज इंटर फर्म रेवलरी नेक्स्ट क्वेश्चन किंग डिमांड कर्व अप्रोच इज कंसर्ड विथ किंग डिमांड कर्व अप्रोच ये क्या है किससे कंसर्न होती है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी प्राइस रिजिडिटी या फिर ड्यूअल प्राइसिंग तो इसका मतलब है प्राइस रिजिडिटी प्राइस रिजिडिटी का रिजिडिटी का मतलब क्या होता है प्राइस रिजिडिटी मतलब जब डिमांड एंड सप्लाई पे कुछ फर्क पड़ जाता है तो उसका प्राइस पे फर्क नहीं पड़ता मतलब प्राइस रिजिड रहती है, स्टेबल रहती है कुछ फर्क नहीं पड़ने देता उसे कहते हैं प्राइस रिजिडिटी वट इज द नेचर ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर लग्जरी आइटम्स लाइक हाई क्लास फर्नीचर जो डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है लग्जरी आइटम्स का उसके ऊपर क्या फर्क पड़ता है जैसे कि हाई क्लास फर्नीचर फॉर एग्जाम्पल तो उसका लग्जरी आइटम्स uh, से क्या फर्क पड़ता है इलास्टिसिटी पे यूनिट इलास्टिसिटी हाईली इलास्टिक फेयरली इलास्टिक जीरो इलास्टिक तो इसका आंसर है हाईली इलास्टिक हाईली इलास्टिक का मतलब क्या होता है हाईली इलास्टिक मतलब जब प्राइस बढ़ जाती है तो प्रोडक्ट पे भी इंपैक्ट आ जाता है जैसे कि लग्जरी गुड्स में क्या होता है किसी लग्जरी गुड्स की प्राइट या फिर रेट बढ़ जाता है तो वो लग्जरी आइटम्स की डिमांड भी बढ़ जाती है इसलिए लग्जरी आइटम्स हाइली इलास्टिक इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इंपैक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड इन वन सेक्टर ऑन अदर सेक्टर इज स्टडीड बाय जनरल इक्विलिब्रियम विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिटरमिनेट ऑफ डिमांड इनमें से कौन सा डिमांड का डिटर्मिनेंट नहीं है तो इनमें से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये डिटर्मिनेंट नहीं है क्यों जो इनकम होता है कंज्यूमर का उसका डिमांड पर फर्क पड़ता है जो प्राइसेस होते हैं रिलेटेड गुड्स की उससे भी डिमांड पर फर्क पड़ता है प्राइसिस ऑफ प्रोडक्ट इट्स सेल्फ प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इट्स सेल्फ उसका भी डिमांड पर फर्क पड़ता है लेकिन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इट्स अ कंसेप्ट डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड इफ अ कम्योडिटी इज यूज फॉर मल्टीपल परपज देन द डिमांड फॉर इट इज नोन एज जब कम्योडिटी मल्टीपल परपज के लिए यूज किया जाता है तो उसकी डिमांड को क्या कहा जाता है ए ज्वाइंट डिमांड बी कंपोजिट डिमांड सी डायरेक्ट डिमांड या फिर एटोनोमस तो इसका राइट आंसर है कंपोजिट डिमांड कंपोजिट डिमांड मतलब एक डिमांड या फिर इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन सी कंपोजिट डिमांड मतलब एक से ज्यादा प्रोडक्ट की एक साथ डिमांड करना उसे कंपोजिट डिमांड कहा जाता है क्योंकि उसका पर्पस जो होता है वो मल्टीपल पर्पस होता है उसका काम जो होता है अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग कार्य को फुलफिल करने के लिए काम आने वाला है दैट्स वाई इट इज कंपोजिट डिमांड सो वी हैव डन विथ टूडे सुपर टेन एम मैं इसी तरह हर वीक हर यूनिट पे आपके टेन एम आपसे प्रैक्टिस करवाऊंगा और हर मंडे आपका मॉक टेस्ट रहेगा इन एमसीक्यूज के रिविजन पे तो मिस मत करना कोई भी वीडियो आपके पूरे यूनिट के एमसीक्यूज प्रैक्टिस होने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन से पहले सो थैंक यू फॉर टुडे सेशन लेट्स मीट इन नेक्स्ट लेक्चर